हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल है और मैं आज आपको जीमेल जीमेल की कुछ सेटिंग्स बताऊंगा। कैसे जीमेल को आप थोड़ा प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं और कैसे आप थीम सेट कर सकते हैं जीमेल में, अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली थीम सेट कर सकते हैं। और आप चाहते हो कि आपके जितने भी मैसेजेस हों वो आपके अकॉर्डिंग आए, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट ईमेल्स होते हैं कंपनी की तरफ से आते हैं, और बहुत सारे आपके फेसबुक अकाउंट्स के ईमेल्स या प्रमोशनल ऑफर्स आते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के एड ईमेल्स आते हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर्स के बहुत सारे एड्स आते हैं आपके ईमेल पे डायरेक्टली, या बहुत सारे और अदर कंपनीज़ के एड्स आते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एड्स आते हैं। आप चाहते हैं कि सोशल नेटवर्किंग का जितना भी मैटर्स है वो आपके अलग एक टैब में नज़र आए, और आप चाहते हो कि आपका जितना प्रमोशनल बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें एड्स हैं वो सब एक अलग टैब पे नज़र आएँ। तो इस तरीके से आप अपने जीमेल को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल इजी वे में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ईमेल अपने जीमेल को मैनेज कर लें। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले आप अपने अकाउंट से लॉग इन करें। ओके, मैं अपने अकाउंट से लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर फेसबुक की मेल्स हैं, कई सारे एड्स हैं, 99acres.com के एड हैं, और मेरी इंपॉर्टेंट ईमेल्स भी इसी में कहीं खो गई हुई हैं। अब मुझे अपनी इंपॉर्टेंट ईमेल देखनी है तो मुझे अननेसेसरी मेल्स को भी देखना पड़ेगा, तो मैं इसे कैटेगराइज करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कुछ टैब आ जाए, सोशल मीडिया टैब आ जाए, तो सोशल मीडिया पे क्लिक करूँ तो सोशल यानी फेसबुक, ऑरकुट, याहू, ऐसे रिलेटेड चीज़ें सब मुझे यहाँ पे मिल जाएँ, या प्रमोशनल ऑफर्स 99acres या मैजिक ब्रिक्स, ये जो आप देख रहे हैं लूमिया ऑफर, ये सारे ऑफर्स मुझे किसी अदर टैब में मिलें। तो इस तरीके से, और ये बैकग्राउंड आप देख रहे हैं जैसे जीमेल में, तो इस बैकग्राउंड को आप अकॉर्डिंगली मैनेज करना चाहते हैं। बैकग्राउंड आपका और सुंदर हो जाए, खूबसूरत हो, या बार बार बदले, जितनी बार आप लॉगिन करें एक नया बैकग्राउंड मिले आपको, तो इसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये ईमेल्स जो आपके सारी की सारी मेल्स आपके एक ही बॉक्स में नज़र आ रही हैं, तो उसके कैसे सेट करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पर आप अपने जीमेल अकाउंट पे लेफ्ट कॉर्नर पे राइट कॉर्नर पे सॉरी राइट कॉर्नर पे आप जाएंगे तो यहाँ पर एक सेटिंग टैब मिलेगा। सेटिंग टैब पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले डेंसिटी, ये कंफर्टेबल, यहाँ एक आप जैसे इनबॉक्स आपका नज़र आ रही है, पूरा का पूरा आउटलुक जो आप देख रहे हैं मेल का आप किस तरीके से देखना चाहिए। जैसे मैं अगर कोजी सेट करता हूँ तो थोड़ा सा कोजी टाइप में हो गया है, और कॉम्पैक्ट सेट करता हूँ तो ये कॉम्पैक्ट छोटा छोटा नज़र आने लगेगा। इफेक्ट देख सकते हैं आप, कंफर्टेबल थोड़ा बड़ा जिसको दिखाई देने में देखने में प्रॉब्लम ना हो, कॉम्पैक्ट बहुत छोटा हो गया। और देन ये तीन व्यू हैं जो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं कंफर्टेबल सेट कर रहा हूँ जिससे मुझे मेल्स पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। देन अगेन आपको मैंने बताया कि आप इनबॉक्स को कॉन्फिगर करना चाहते हैं, तो वो सेट करने के लिए कि आप अपने सोशल मीडिया, प्रमोशनल ऑफर्स और इम्पोर्टेंट मेल्स अलग अलग टैब पे चाहते हो तो कॉन्फ़िगर इनबॉक्स है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आप प्राइमरी, सोशल, प्रमोशंस, अपडेट्स, फोरम, ये पांच टैब आ सकते हैं आप में, और इसको आप सेव कर दें। सेव करने के बाद थोड़ी देर बाद जैसे ये लोडिंग लेगा आपका जीमेल, तो आप देख सकते हैं यहाँ प्राइमरी में आपकी इम्पोर्टेंट मेल्स आएंगी, जो आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे उनकी लिस्ट आएगी, जो जिनका आपसे कम्युनिकेशन होता होगा उन पर्सन्स की मेल्स आपके प्राइमरी में शो करेगा। सोशल में जितने भी फेसबुक, ऑरकुट, ट्विटर, इन सब की मेल्स होंगी। प्रमोशंस में प्रमोशंस यानी बिजनेसेस या एड्स से रिलेटेड मेल्स आएंगी, और अपडेट्स में वो जो अपडेट्स भेजते रहते हैं उसकी मेल्स होंगी। फोरम होगा कोई, उससे रिलेटेड मेल्स होंगी। तो इस तरीके से आप अलग अलग टैब बना सकते हैं जिससे आपको मेल्स को पढ़ने में बहुत आसानी होगी, टाइम भी
कम खर्च होगा। आप अगर कोई मेल सर्च करना चाहते हैं तो प्राइमरी पे सेलेक्ट करके या इनबॉक्स पे टाइप करें और सेंड एंटर करें, बहुत जल्दी सर्च हो जाएगा। यही फ़ायदा होता है इसको सेट करने का, कॉन्फ़िगर करने का। दूसरा, अगर आप थीम बदलना चाहते हैं, आप अपने जीमेल का बैकग्राउंड या थीम अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं, लुक बहुत अच्छा चाहते हैं, तो यहाँ से आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, थीम्स पे क्लिक करेंगे, तो ये जैसी आप थीम चाहते हैं वैसी थीम यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइट, डार्क, ब्लू, ये इस तरीके की थीम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ से HD थीम में ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिएगा थीम सेट हो रही है, ये देखिएगा बैकग्राउंड मेरा थीम चेंज हो गई। अगर मैं इनबॉक्स पे जाता हूँ तो मेरी थीम आप देख सकते हैं कैसी है, HD थीम है। तरीके से दोबारा से थीम ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ से और भी थीम्स हैं, कलरफुल थीम्स हैं, HD थीम्स हैं, यहाँ बीच है, बीच सेलेक्ट कर सकते हैं आप जो पहले से सेलेक्टेड था मेरा, देन माउंटेन सेलेक्ट कर सकते हैं, सो माउंटेन आ जाएगा, ये देखिए माउंटेन आ गया। इस तरीके से आप अपनी थीम्स को चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग। इस पार्ट में आपने इतना सीखा कि कैसे जीमेल को मैनेज करते हैं। आगे बहुत कुछ है जीमेल्स में, आगे और सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।